नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। देवभूम छत्तीसगढ़ प्रदेश में हर जगह पर इतिहास और पौराणिक काल की गाथा लिखी हुई है। ऐसी एक जगह है गरियाबंद जिले के अंतिम छोर झाकरपाड़ा देवभूम से 8 किलोमीटर दूर ऋषि चरण, जिसके बारे में ऋषि वाल्मीकि संस्था के सदस्य अरुण मिश्रा जी, चरण यादव जी, ऋषि वाल्मीकि के भक्त श्री रामदास यादव ने बताया कि ऋषि चरण में महर्षि वाल्मीकि घोर तपस्या की और तपस्या करते करते पत्थर की मूर्ति में बदल गए, जिसे आज भी छोटी सी गुफा में देखा जा सकता है। कहा जाता है कि मूर्ति का थोड़ा सा पत्थर रूपी अंग को खुरच कर अगर आग में डाला जाए तो मानव सांस की जलने गंध आती है। ये बहुत आश्चर्यजनक और खोज का विषय है। 20 साल से ऋषि झरन में पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। वहां के जनताओं का कहना है कि ऋषि झरन पर्यटन स्थल बन चुका है और शासन प्रशासन को 20 साल से मांग कर रहे हैं रोड, रास्ता और पीने के लिए पानी की व्यवस्था, तो अब तक कोई सुविधा नहीं हो पा रही है। शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहे हैं। गरियाबंद जिले के देवभोग और मैनपुर ओडिशा से जुड़ा हुआ बहुत बड़ी पर्यटन स्थल है, इसलिए शासन प्रशासन से हमारी मांग है कि जल्द से जल्द रोड और पानी और मंदिर निर्माण किया जाए। साल भर में कई मेले लगते हैं और पूजा अर्चना हर मंगलवार और शनिवार को होती है और सत्संग वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है। वहां लोगों की भीड़ रहती है। महाशिवरात्रि पर्व में पहुंचे वहां के जनप्रतिनिधि, जनपद सदस्य श्री असलम मेमन जी, जिला कांग्रेस महामंत्री श्री अरुण मिश्रा जी का कहना है कि यहां सभी सुविधाएं होंगी, प्रयास करते रहें। जिले के देवक क्षेत्र में अपना सहस कोल ऋषि झरन के नाम से जो पर्यटन स्थल है, तो यहां जो है कितने साल से जो है यहां पूजा अर्चना करते हुए आ रहे हैं? हमारे देवक ब्लॉक के सहस कोल पुर्तीपारा ग्राम पंचायत के अधीनस्थ आता है ऋषि झरन। इसमें विगत 20-22 साल से हम ऋषि झरन को पर्यटन स्थल के लिए लगे हुए हैं और पिछले 20 साल से यहाँ ऋषि महात्मा जी के चरणों में पूजा अर्चना चलते आ रहा है। और रास्ता वगैरह भी पहले कुछ नहीं था, अभी थोड़ा बहुत आवागमन असुविधा हुआ है, लेकिन रास्ता इतना अच्छा नहीं है जो पर्यटक हर समय आए और आके अच्छा से दर्शन कर सकें। रास्ता के नाम से पर्यटक आने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो यहाँ जो है पर्यटन स्थल पे जो है अभी सुविधा, यहाँ पेयजल की सुविधा अभी तक क्यों नहीं हो पाया? 20 साल से जबकि यहाँ पूजा अर्चना करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पेयजल की सुविधा नहीं होने के कारण मेन रास्ता नहीं होने के कारण हम यहाँ पेयजल की गाड़ियाँ जो है बोरिंग गाड़ी यहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है, इसीलिए पेयजल का सुविधा नहीं करवा जी। तो अभी शासन प्रशासन को जो है आप अवगत कराए या नहीं करवाए? हम इसके लिए शासन प्रशासन को निवेदन आवेदन सब दे चुके हैं और बीच में हम जनपद से इसका रास्ता बनाने के लिए स्वीकृत किए हैं जनपद निधि से। बाकी फॉरेस्ट में आ जाता है, फॉरेस्ट विभाग में आ जाता है, इसीलिए डीएफओ से बात सहमति चाहिए। डीएफओ से बात होने के बाद इसको रास्ता बना के बोरिंग गाड़ी भेजवाने का कोशिश करेंगे जी। जी तो आप जो है पर्यटन स्थल ऋषि झरन के जो यहाँ वाल्मीकि ऋषि जी का जो शरीर अस्तित्व जो पत्थर रूपी में विलुप्त हो चुके हैं, तो इस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो बहुत काफ़ी समय से यहाँ पर पर्यटक आ रहे हैं जी, और जो भी पुराने लोग हैं हमारे, जिन लोगों ने भी जब से, हम तो अपने बहुत छोटे काल से इनको देख रहे हैं और बहुत पहले से यहाँ पर जीवाश्म है यहाँ पर, और सबका ये कहना है, हमारे जो पुराने लोग हैं उनका ये कहना है कि वाल्मीकि ऋषि का ये जीवाश्म है जी जी, और यही मानकर हम लोग यहाँ पर उनकी पूजा अर्चना करते हैं जी जी। यहाँ कौन कौन से जो भगवान की जो है मूर्ति स्थापना किए हैं या कौन कौन से भगवान का जो है पूजा अर्चना करते हैं? हाँ, ऋषि वाल्मीकि ऋषि की जो पहले से बहुत दिनों से पूजा अर्चना हो रही है जी, इसके अलावा अभी शनिदेव का मंदिर अभी यहाँ पर निर्माण किया जाना है, अभी यहाँ पर जी मूर्ति स्थापना हो चुकी है। हनुमान मंदिर की कभी बनाया जाना है, जिनकी मूर्ति स्थापना हो गई है जी। राम जानकारी मंदिर बनने का भी है यहाँ पर जी, और काम सबका चालू है, समय लगेगा थोड़ा लेकिन बन जाएगा। तो साल भर में जो है 12 महीना होते हैं, 12 महीने में कितने दिन यहाँ पूजा पाठ करते हैं यहाँ? हर आपका नाम? धवलेश्वर दास। दास जी, ये जो छत्तीसगढ़ गरियाबंद जिले के देवोक क्षेत्र है, सहस कोल जो ऋषि झरन पर्यटन स्थल जी होने जा रहा है, हाँ, बन रहा है, तो इसमें जो है कितने साल से जो यहाँ पूजा पाठ करते आ रहे हैं? ये पूजा पाठ इतने साल से करते आ रहे हैं कि हम लोग मान लो कि पैदा भी नहीं हुआ था, ऐसे टाइप के है ये जी जी, जी। हाँ, क्योंकि जब सृष्टि जन्म किया उसी दिन से ही ये पर्वत है और उसी दिन से ही जिसको ये ऋषि झरन, ये शिवलिंग और वाल्मीकि ऋषि पत्थर पलटी गए हैं जी जी। हाँ, को लोग भी कि इसका जीव था या नहीं था वो कुछ नहीं जानते, केवल पत्थर जो पलट गया है और उसी भगवान ने
वाल्मीकि ऋषि ने उसी को ही देखकर उसी दिन से आज के कम 100,000 वर्ष मान लो, जबकि सृष्टि गड़े भगवान उसी दिन से ऋषि जब देखे उसी दिन से ही मान लो कि जन्म पूजा करते आ रहे हैं। जब आदमी को पता चला तब जब 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 पता चला उसी टाइम से ही पूजा करते आ रहे हैं। वो नहीं जानता कि ये कब आया भगवान, कब किए, ऐसा नहीं है। जब जंगल यहाँ झाड़ जंगल उत्पादन हुआ उसी लकड़ी के लिए आते थे, उसी टाइम से देखते ही उसको वहाँ पूजा अर्चना पूरा चालू हुआ और उसी दिन से शुरू किए। अभी तक अभी यहाँ पे है शिव भगवान का लिंग स्थापित है, वहाँ वाल्मीकि का स्थापित है, अस्तित्व है, अस्तित्व है, शरीर है, और ऊपर में उसका ऊपर में शनिश्चर भगवान का शिला है, और थोड़ा उसका आगे पर्वत के ऊपर में बजरंग बली का भी मूर्ति वहाँ रखा गया है। ऐसे चार मंदिर हो चुका, स्थल हो चुका है लेकिन मंदिर नहीं हुआ है। अभी हम लोग चाहते हैं कि भगवान कौन कौन सा भगवान का पूजा यहाँ किया जाता है। अभी ऋषि झरन में पहले किया जाता है शिव भगवान का और वाल्मीकि ऋषि का, शनिचर भगवान का, बजरंग बली का, ऐसे चार भगवान का यहाँ अभी स्थित चल रहा है। फिर गणेश भगवान का, और गणेश भगवान की मूर्ति है यहाँ पे। यहाँ तो नए साल में जो है गायत्री माता का, हाँ, गायत्री माती का माता के पूरे पूजा पाठ अर्चना चलता है, हुमन भी चलता है बीच बीच में। ऐसा नया साल बोल के मतलब नहीं, बीच बीच में चलते आते रहता है और ऐसा चलता रहा है। हाँ, यहाँ पे तो बहुत स्थल है। जो है लोग आने जाने के लिए रोड रास्ता कैसी है? आने जाने के लिए ये है, चढ़ाव उतार है जो, उसी में पब्लिक को बहुत परेशान हो रहा है, परेशान हो रहा है। रोड अभी तक नहीं बनता है, रोड अभी तक नहीं बना है, क्योंकि मांग वांग किए, यानी कि शासन प्रशासन को, शासन और प्रशासन को हम लोग जब मांग करते हैं, इन लोग दुनिया बात आगे लंबाई चौड़ाई करते जा रहे हैं, इसीलिए अभी तक स्थल मंदिर या कुछ बनाने के लिए आरम्भ नहीं हुआ है। हम लोग चाहते है